हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना सर और मुंह अच्छी तरह से ढक लेती हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होने वाली है। कल मैंने दीवारों पर जो पीओपी की थी वो अब अच्छी तरह से सूख गई है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लेना। पीओपी से दीवारें जो थोड़ी बहुत अनइवन हो गई थी उसे प्लेन करने के लिए मैं ये सैंड पेपर यूज़ कर रही हूँ, जिसे रेग मार्क भी कहते हैं। सुबह जल्दी उठकर मैंने नाश्ता और लंच बनाकर रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आज काम बहुत ज़्यादा है और आज मुझे पूरा दिन लगने वाला है, और अगर मैं बीच में काम छोड़कर खाना बनाने लगूँगी तो फिर दोबारा से काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने सुबह ही एक साथ ही सारा खाना बना दिया था। दीवार पर जहाँ जहाँ भी ऐसे काले निशान थे वहाँ पर भी मैंने रेग मार्क मारकर उसे अच्छी तरह से साफ कर दिया। पेंट करने से पहले दीवारों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। जब भी हमारे यहाँ पेंट होता था तो मैं देखती रहती थी कि मिस्त्री किस तरह से काम करते हैं, तभी मुझे पता है ये सब। मैंने बर्जर का ये 5 लीटर का वाइट डिस्टेम्पर मंगवाया है। डिस्टेम्पर का घोल बनाने के लिए मैंने बाल्टी में आइडिया से ही पानी लिया है, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि कितना पानी लगता है। जहाँ जहाँ मैंने पीओपी लगाई थी सबसे पहले मैं उस पर वाइट पेंट ही करूंगी, क्योंकि वाइट पेंट के ऊपर कलर अच्छी तरह से चढ़ जाता है। इस तरह से मैंने सारी दीवारों पर वाइट पेंट कर दिया। हमारी दीवार पर पहले से पिंक कलर का पेंट है, मुझे वही सेम कलर बनाना है। ये डिस्टेम्पर में घोला जाने वाला रेड कलर है, इसी से ही पिंक कलर बनता है। वाइट डिस्टेम्पर में हम थोड़ा सा रेड कलर डाल देंगे तो वह पिंक कलर बन जाएगा। लाइट और डार्क के लिए हम रेड कलर कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने आइडिया से ही डिस्टेम्पर में रेड कलर घोल दिया है और चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा पेंट लगाया है। अभी ये पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा तो मैं इसमें थोड़ा सा रेड कलर और डालकर इसे थोड़ा सा और डार्क कर लूंगी। रेड कलर की 2 डिब्बी लगी थी। डिस्टेम्पर कलर और जो छोटा मोटा सामान और मंगवाया था इन सब में मेरे सिर्फ 500 रुपये ही खर्च हुए हैं। ब्रश और रोलर मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, इतने सस्ते में ही सारा काम हो गया। अगर हम बाहर से मिस्त्री को बुलाते तो 5-6 हज़ार रुपये तो लगे जाते। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं नीचे नीचे ही पेंट करूंगी, लेकिन मुझे ऊपर भी दीवारें थोड़ी गंदी लग रही थी तो मैंने आधी से ऊपर तक दीवार मैंने पेंट कर दी। सभी दीवारों पर मैंने डबल कोट किया था।
ब्रश से पेंट करते करते जब हाथ दर्द होने लगा तो मैंने ये रोलर ले लिया। रोलर से इजी तो हो रहा था, लेकिन रोलर ये पहले से घर में रखा हुआ था तो ये छोटा है। बेटे ने वॉल सेल्फ बनाई थी तो उसे पेंट करने के लिए वो ये रोलर लेकर आया था, तो उसने इसे आधा काट दिया था, इसलिए रोलर में टाइम ज़्यादा लग रहा था। आप सोच रहे होंगे कि मैं लगातार पेंट करती जा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने बीच बीच में ब्रेक लिया था। शाम को मधु और भावना भी आ गए थे, उन्होंने मुझे चाय बना के पिलाई और हम आधा पौना घंटा गप्पे मारते रहे, जिससे मेरी सारी थकावट दूर हो गई। चाय पीकर और गपशप मार के मेरी फिर से बैटरी चार्ज हो गई और मैं फिर से लग गई अपने काम पर। अभी ये पेंट कहीं डार्क कहीं लाइट लग रहा है, लेकिन सूखने के बाद ये ऊपर वाली दीवार से बिल्कुल मैच कर गया था। पेंट करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। आज भी रात का खाना मधु बना कर ले आई थी, मैं उसे मना कर रही थी लेकिन उसने बोला, नहीं आंटी आप थके हुए हो, आप मत बनाओ, आज मैं बना दूंगी आपका खाना। जैसे एक बेटी अपनी माँ का ध्यान रखती है, ठीक उसी तरह से मधु भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। भावना, मधु और मैं, हम तीनों जब भी बैठ जाते हैं बातों में टाइम का पता ही नहीं चलता। हम अपना अपना काम ख़त्म करके रात को खूब गप्पे मारते हैं। हम रात को 12-12 बजे तक भी बातें करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, मेरा तो दूसरे घर में वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा। और अब हस्बैंड भी आ गए और खाना वगैरह खाकर वो भी मेरे साथ हेल्प करवाने लगे। और अब पेंट सूखने के बाद दीवारें कितनी अच्छी लग रही हैं, एकदम प्लेन और साफ सुथरी, कहीं भी कोई सीलन और दाग धब्बे नहीं हैं। अब मैंने आधी आधी दीवार पर ही पेंट किया था, लेकिन देखने में लग रहा है कि पूरा पेंट हुआ है। ऊपर की दीवार और नीचे की दीवार के पेंट में कुछ खास फर्क नहीं लग रहा, कलर बिल्कुल मैच हो रहा है। इतना सोचा नहीं था जितना अच्छा काम हो गया। तो फ्रेंड्स, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।